2018 ये जो इशे के लोग हैं ये कौन सा एडिशन था इसका संस्करण 18 पहले जो हुए थे वो हुए थे 1951 में वो हुए थे न्यू दिल्ली में सबसे पहले जो हुए थे 1951 न्यू दिल्ली में और ये जो एडिशन था कौन सा था 18 कहां पर हुए थे इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में दो शहर थे पालेमबांग और जकार्ता पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी देश के दो स्थानों पर ये एशिया खेल आयोजित किए गए थे तो ये इंडोनेशिया वहां पर पालेमबांग और जकार्ता में होते इसका जो मोटो था वो था एनर्जी ऑफ एशिया टोटल देश जिन्होंने एशियाई खेलों में भाग लिया था 45 एशिया एशियाई कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते इसमें ध्वज धारक जो थे उद्घाटन थे नीरज चोपड़ा थे टोटल 465 इसमें था इवेंट जो थे 40 के इसका मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं रनिंग की बात करते हैं रनिंग में क्या होता है 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर 1500 मीटर 400 मीटर रिले रेस 4x400 रिले रेस ऐसे एक ही खेल में क्या होते हैं 4 से 5 इवेंट होते हैं तो 40 खेल थे और 40 खेलों के 465 इवेंट्स 465 स्पर्धा थे उसके बाद शुरुआत कब हुई थी 18 अगस्त को और समापन हुआ 2 सितंबर 2018 उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है किस स्टेडियम में उद्घाटन और समापन जो खेल हुए थे वो थे डेलेरा बू कर्नो स्टेडियम यहीं पर सारे स्पोर्ट्स के गेम हुए थे अब उद्घाटन किसने किया था जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति और समापन समारोह क्या था अहमद अल फहाद साबा ये ओलंपिक काउंसिल जो उसके अध्यक्ष है उद्घाटन समारोह किसने किया था जोको विडोडो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है और समापन समारोह किसने किया था अहमद अल फहाद साबा जो ओलंपिक काउंसिल के क्या अध्यक्ष इसका शुभंकर जो थे तीन शुभंकर थे एक था भिन भिन जो इंडोनेशिया के पक्षी है दूसरा था काका जो वहां का क्या है गेंडे की वैरायटी है और अतुम अतुम वहां पर क्या है केरल की वैरायटी ये तीन उसके क्या थे शुभंकर थे उसके बाद पहले बार दो ऐसे गेम्स थे जिनको इस एशियाई खेल में शामिल किया था वो था ई स्पोर्ट और कैनन पोल और ध्वजधारक जो थे उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा था जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता और समापन समारोह में भारत की ध्वज मारक थी रानी रामपाल ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन मेडल टैली में रैंकिंग में पहला नंबर पे कौन था चीन सेकंड पे जापान थर्ड पे दक्षिण कोरिया भारत की रैंकिंग जो थी वो कौन सी थी 8th नंबर पे मेडल्स की बात करें तो भारत ने 69 मेडल टोटल जीते जिसमें से 15 गोल्ड थे 24 सिल्वर थे और 30 क्या थे ब्रॉन्ज मेडल उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछना है भारतीय टीम का नेतृत्व अब भारतीय टीम का नेतृत्व से मतलब ये होता है कि जब पूरे खिलाड़ी भारत के गए थे उसमें नेतृत्व किसने किया चैंपियन मिशन ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारत का गया था नेतृत्व किया था इनके गाइडेंस में सारे खिलाड़ी खेले थे फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में जीते वो था एथलेटिक्स पहला स्वर्ण बजरंग पुनिया मोस्ट इंपोर्टेंट कि ऐसे खेल का भारत की तरफ से किसी भी खेल में या कोई भी खेल में पहला पदक स्वर्ण पदक किसने लिया था बजरंग पुनिया ने पहलवानी में प्रथम भारतीय महिला पहलवान जिसने स्वर्ण पदक जीता वो है विनेश गोबाय एशियाई खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी प्रथम महिला शूटर जिसने स्वर्ण पदक जीता राही राही शर्मा नौका एनडी टीम ने स्वर्ण पदक जीता पुरुष कबड्डी टीम ने कांस्य पदक और महिला कबड्डी टीम ने जीता रजत पदक नीचे ध्यान रखें गोल्ड मेडल नहीं मिला कबड्डी में उसके बाद टेनिस का डबल्स जो हुआ था रोहन बोपन्ना दिवेश शरण इस दोनों ने क्या जीता था स्वर्ण पदक जीता आन डबल ट्रैक सबसे कम उम्र में डबल ट्रैक में स्वर्ण पदक रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इसका शार्दुल बियान अंकिता रैना टेनिस के सिंगल्स में कांस्य पदक जीता तेजिंदर पाल सिंह शॉर्ट पुट गोला फेंक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के जेवलिन थ्रो माला फेंक में स्वर्ण पदक पी वी सिंधु बैडमिंटन रजत पदक फवाद मिर्जा घुड़सवारी में रजत पदक जीता मंजीत सिंह 800 मीटर स्वर्ण पदक टेबल टेनिस की टीम ने कांस्य पदक जीता अरविंदर सिंह ट्रिपल जंप स्वर्ण पदक स्वप्ना बर्मन हक्का एटली स्वर्ण गेम हक्का एटली जैसा गेम होता है इसमें 7 इवेंट्स होते हैं 7 खेल होते हैं जो 2 डे में 2 दिनों में क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं विंसेंट जॉनसन 1800 मीटर स्वर्ण पदक 4x400 रिले रेस में स्वर्ण पदक अमित पंघल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार ब्रिज राष्ट्र में स्वर्ण पदक जीता ये आपके एशिया के 2018